You're thinner than me. Let me have it. You're thinner than me. Almost hone wala tha. I know but kuch dates nahi pakad lag gaya. You are bahut busy ho na tum. Dates nahi hai tumhare. Ekta ma'am. Ekta ma'am. Mike such a good role hai Amol. Ekta ma'am. Mike. Jai mata di. Coming next one. यार जिंदगी में पहला कदम जो होता है ना बहुत एक्साइटिंग होता है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है. तो मेरे हिसाब से मेरा पहला कदम जो था बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत एक्साइटिंग था. बाकी मेरे भाई बताएंगे. जी जी बिल्कुल. आई थिंक जो पहला कदम होता है आप जब आप जिंदगी में रखते हैं, 8 जून 1993 जैसे मैंने रखा था, 18th May जैसे मैंने रखा था, बहुत इंपॉर्टेंट होता है आई थिंक फॉर एवरीबॉडी. आई मीन नॉट जस्ट फॉर मी और इट्स फॉर यू गाइज इज वेल. आई थिंक पहला कदम कुड बी एनीथिंग, कुड बी प्रॉब्ली अगर आप मीडिया की तरफ आप पहला कदम रखते हैं, अपनी जॉब के लिए कदम रखते हैं, या एनीथिंग कुड बी एनीथिंग, या एक्टिंग फील्ड की तरफ रखते हैं. सो दैट प्लेज अ रियली सिग्निफिकेंट रोल इन योर लाइफ. सो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट यू वुड चेरिश फॉर योर एंटायर लाइफ. सो आई वुड से दैट. अच्छा जल्दी खतरों की खिलाड़ी का भी लॉन्च होने वाला है, कितने एक्साइटेड हो इस चीज को लेकर, सब वापस एक गेट टुगेदर होने वाला है. ये कब हुआ, ये कब हुआ, ये कब हुआ? नहीं बहुत जल्दी आप आइएगा, परसों आइएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, एंड आई शैल सी यू देयर. रणदीप कुछ कहना चाहेंगे आपके शो को लेकर के? मेरे शो यू मिलने नहीं मिलते आपसे? ऐसा मत बोले यार. यार आप सबकी सपोर्ट से हमारा शो आज भी वैसे ही चल रहा था पहले. एंड आई जस्ट होप कि आप हमारे शो को ऐसे ही पसंद करते रहें जैसे आपने अब तक किया है. और कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग. अच्छा क्या कहना चाहेंगे लास्टली? बिग बॉस का वीक होने वाला है, अभी जल्दी खत्म होने वाला है, कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस वेट कर रहा हूँ. किसे पसंद किया आपने? वेल श्रीशांत मेरे साथ काम कर चुका है खतरों के खिलाड़ी में. सो मैं जस्ट वेट कर रहा हूँ कि बिग बॉस कब खत्म होगा, बिकॉज आई एम मच एक्साइटेड फॉर खतरों के खिलाड़ी. सो जस्ट वेटिंग फॉर दैट कि बिग बॉस खत्म हो और हमारा शो स्टार्ट हो. सो जस्ट कांट वेट फॉर दैट. बिग बॉस में तो मेरे गुरु हैं सलमान सर, तो मैं उस दिन ऑफ लेके टीवी के सामने बैठ जाऊंगा. और वैसे भी मैं देखते ही हूँ, स्पेशली संडे का वार जो होता है वो तो देखते ही हूँ. अगर टीवी पे नहीं देख पाता हूँ तो फ़ोन पे देख लेता हूँ. तो या जी सो मैरी क्रिसमस एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर. आप सब बहुत खुश रहें, मुस्कुराते रहें, हेल्दी रहें, और जो भी आपकी विशेज है वो सब पूरी हों. Absolutely. All right, so just wishing you guys a Merry Christmas and a very Happy New Year. जो भी आप लोग की तमन्ना है वो जस्ट पूरी हो जाए. एंड जो भी आपने सोचा है बस खुश रहिए एंड आबाद रहिए. धन्यवाद. थैंक यू. शुक्रिया. आई थिंक प्रिंस जो भी कदम रखता है उसके लिए हर कदम बेस्ट ही होता है, बिकॉज वो सब कुछ दिल से करता है एंड देन ही नेवर रिग्रेट. प्रिंस आप कुछ कहना चाहेंगे? पहला कदम मुझे शादी करना. आई न्यू दिस. आई कुड से दिस टू यू टू बट इट्स ओके. अच्छा काफी सारे दोस्त आए हैं ऊपर, सबसे मिलने वाले कितने एक्साइटमेंट है क्योंकि अक्सर मिल नहीं पाते आप लोग? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मेरे तो बहुत कम दोस्त हैं, जो भी को सारे जानते हैं वैसे बेसिकली. तो मेरे कुछ गिने चुने जैसे सुयश वगैरह वो ऊपर घर आए, तो हम जाकर मैं सिर्फ गन डालने वाला हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा बाहर निकलता नहीं हूँ. जब निकलता हूँ तो तूफान मचाते हैं. अच्छा जल्दी बिग बॉस का फिनाले भी होने वाले, कुछ कहना चाहेंगे? किसे जीतता हुआ देखना चाहते हैं? कौन है जो आप लोगों का फेवरेट बना है? रोमिल है, श्रीशांत है, दो तीन ऐसे नाम हैं जो मुझे लगता है कि रोमिल जीतने चाहिए, या फिर दीपक. थैंक यू सो मच गाइज, एंड आप हमें इतना प्यार करते हैं, एंड हमारी वजह से हमारी तरफ से हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस. वेरी मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू. गॉड ब्लेस यू. कीप लविंग ईच अदर, कीप लविंग अस, एंड लव यू. थैंक यू. सी यू. थैंक यू मैम. वेट फॉर द माइक. थैंक यू. मेरे मॉडल के बारे में ठीक है? एक मिनट. या यस मैम. मैम लुक एट मी प्लीज. या ओके.
एक्चुअली मैं इतना कहूँगा कि सिर्फ हम ही नहीं, इनफैक्ट हर इंसान को उतना ही इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए. हम लोग एक पड़ाव ले लेंगे तो आप भी अगर एक स्टेप उठाएंगे, और अगर हर एक इंसान एक स्टेप उठाएगा तो बहुत डिफरेंस होगा. अगर सिर्फ चार लोग इसके बारे में बात करेंगे और फिर चार दिन बाद भूल जाएंगे, तो डजंट मेक सेंस. सो आप लोगों को भी उतना ही इक्वली पार्टिसिपेट करना होगा जितना हम लोग कर रहे हैं. ठीक है. यस यस. आई विश देम ऑल, आई विश देम वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड great year coming up ahead. 2018 has been so far so good for both of us, and I hope that it's been great for you guys as well. So we really hope that this year, next year, turns out to be a great year for all you guys. Thank you so much. Yes, ma'am. Yes, sir. Please, one more picture, please. Hello, sir. Please, sir. Seven. और इसको एक गलत तरीके से प्रेटेंड किया जाए. गलत ये है कि वो ऑलरेडी एम्पावरमेंट है क्योंकि फैमिली है और इतनी सारी चीजें. डोंट यू थिंक कहीं ना कहीं ये लॉ एंड ऑर्डर में गड़बड़ी क्योंकि जैसे हालात हैं, जैसे जो सिचुएशन है हमारी कंट्री में, आई थिंक इट्स अ ग्रेट रिमाइंडर. ऐसी कोई भी चीज़ जो भी वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में हो या फिर जो सेक्स जो हो, तो आई थिंक इट्स अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव. क्योंकि हमें अपने आप को रिमाइंड कराना बहुत ज़रूरी है कि बिकॉज हमारा इतना प्रेजुडिस है, इतना ज़्यादा कंडीशनिंग है, हम इतने पहले से बचपने से ही इतने बड़े होते हैं इसी सोच के साथ. और ये एक्सेप्ट नॉट, ये हमारे इंडिया की हमारे कंट्री की सिचुएशन है. So I think it's a great thing to remind ourselves to at least to start a new beginning. We should all today itself at this moment start where we all are equal. There's no separation. We just that wo ladki hain to hum ladke hain, but everybody is equal. Okay, ma'am, don't you think ye me too movement hai, pehla kadam hai, ye jo jis tarike ke initiative liye jaate hain, don't you think ki kahin na kahin kuch ladkiyan kuch auratein is cheez ka najayaz fayda utha leti hain? See, being a woman, of course, I am really proud of the whole Me Too moment. But yeah, मुझे ऐसा लगता है कि Me Too moment सिर्फ women के लिए नहीं होना चाहिए, men के लिए भी होना चाहिए. Because it works both ways. Why are we looking at the negative side? Yeah, positive side. Yes. देखते हैं कि कितनी अच्छी बात हुई है कि यार अभी लोग कम से कम ऐसा करने से पहले 10 बार सोचेंगे तो सही. दोनों मामले में for women for men. हमें positive side देखनी चाहिए. Negativity तो हर किसी चीज़ के साथ आएगी. कुछ भी नया होगा इसका negative तो आएगा ही आएगा. हमें पॉजिटिव देखना चाहिए. जो अच्छा हो वो देखें कि अब कम से कम 10 बार बंदा सोचेगा करने से कि भैया मी टू मूवमेंट चला हुआ है, कभी मैं इसमें आ ना जाऊँ. तो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग. मुझे आई डोंट रिमेम्बर एज सच, और अगर मुझे याद नहीं है तो शायद मेरे साथ हुआ नहीं है.
प्रॉब्ली वरना वो याद रहता तो आई थिंक आई एम द फॉर्चुनेट वन प्रॉब्ली बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अ फैमिली अपब्रिंगिंग वाइज एंड एवरीथिंग के मुझे कभी यू हैव बीन ब्रॉट अप एंड यू हैव टेकन चार्ज ऑफ अ फैमिली एट अ वेरी यंग एज सो इनसे बड़ा एग्जांपल नहीं है यार कि एवरीबॉडी एवरीबॉडी इज इक्वल एंड आई वाज ऑलवेज टॉट दैट मतलब मुझे कभी बेटा बेटी का फर्क हमारी फैमिली में कभी हम दो बहनें हैं तो इन्होंने बहुत जल्दी बहुत कम उम्र में कमाना शुरू कर दिया था काम करना शुरू कर दिया I think I am very fortunate that I was born in a family that I had never to face any of and such issues. Hats off to her parents jinhone ye nahi socha ki you know ki ladki hai aur kaam nahi karne dena hats off to them aur ye soch har kisi ki honi chahiye pehle kadam to dusri tarah ki taraf chalte hain naya saal aane wala hai aur kya shubhkamnaen rahengi aur aap log khud kis tarike se naya saal banane wale hain मैं तो यार शूटिंग कर रहा हूँ तो मुझे तो जितनी कम छुट्टी मिलेगी उसमें मैं अदिति को लेकर कहीं भी चले जाऊँगा एनी हिल स्टेशन और अगर नहीं मिलेगी तो फिर बॉम्बे में ही मैं किसी दोस्त के घर या अपने प्रोड्यूसर्स के घर या फिर अपने को एक्टर्स के घर पे पार्टी कर लूँगा सो आई थिंक आई विल डू दैट एंड आई रियली वांट टू चिल आई रियली वांट टू पार्टी एंड एंजॉय नहीं हम बॉम्बे में होंगे तो हम बीएचके में होंगे तो मुझे जब ज़्यादा थक जाता हूँ तो मुझे नेचर चाहिए होता है मुझे ऐसी स्थिति आ गई कि मुझे भागना है और नेचर में जाके पहाड़ों पर जाके या तो बीच पर जाके बैठ जाना है तो या तो वही करेंगे सबसे पहले तो मैं निवेदिता को मैं विश करना चाहूँगा फॉर सच अ ग्रेट इनिशिएटिव इट्स फैबुलस व्हाट शी इज डूइंग एंड ये पहला कदम बहुत ही बढ़िया कदम उठाया है इससे और कदम बढ़ाते रहिए और सारे मेरे फैंस को कुल्फी कुमार बाजे वाला फैंस को सिकंदर के फैंस को थैंक यू सो मच एंड हैप्पी न्यू ईयर एंड मेरी क्रिसमस जी बिल्कुल बिल्कुल मैं निवेदिता को जरूरी होता है क्योंकि वुमेन अपने आप में इतनी मुकम्मल है पति होता है बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड होता है भाई होते हैं तो उनको एम्पावरमेंट करने की क्या जरूरत नहीं बात आई डोंट थिंक दिस इज द राइट वे टू सी आई थिंक एम्पावरमेंट हमारे देश में सोसाइटी में हर एक वर्ग के लोगों को हर किस्म के लोगों को एम्पावर करना पड़ता है चाहे वो डिफरेंट रिलीजन से आते हैं कास्ट से आते हैं क्योंकि हमारा जो देश है वो इतना डाइवर्स है और उसमें इतनी सोशली लोग अप डाउन हैं तो उसमें एम्पावरमेंट हर एक इंसान को देना बहुत ज़रूरी है और हर एक इंसान सबको नहीं एम्पावर कर सकता है और ना ही गवर्नमेंट एक साथ इनिशिएटिव लेके सबको एक साथ एक ही टाइम पे कर सकती है सो इट्स ग्रेट दैट इंडिविजुअल्स आल्सो टेक दैट स्टेप एंड डू वर्क टुवर्ड्स द एम्पावरमेंट सो निवेदिता ने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए किया है एंड आई थिंक दैट्स अ फैंटास्टिक इनिशिएटिव एंड आई थिंक इट्स कूडोज टू हर यही कि उम्मीद करेंगे कि वो साल सबके लिए हमारे देश के लिए बहुत अच्छा हो पूरी दुनिया के लिए अच्छा हो और सब कुशल मंगल रहें और खुशी से रहें नफरत कम हो जाए मेरी अभी तो कोई प्लानिंग नहीं है मैं ये मेरी यही प्लानिंग है कि मेरा भी न्यू ईयर अच्छा ही मने और अगला साल भी अच्छा ही रहे है ना थैंक यू इनका बर्थडे नहीं है सॉरी झूठ बोल रहे थे हमारा बर्थडे है हम दोनों का इनके बर्थडे के बारे में बता दीजिए आज इनका बर्थडे आज इनका बर्थडे नहीं है लेकिन फिर भी हम इनको बोलेंगे हैप्पी बर्थडे आज आपके नए शामिल इनके आए हुए हैं पहला कदम क्या है वेल आई थिंक पहला कदम किसका है अरे पागल ओ शिट यहां पहला कदम ओके मैंने वही बोल रहा हूं पहला कदम वो रिकॉर्ड करना आई डिडंट फॉरगेट आई मीन आई वाज लाइक आपका कुछ सेंटेंस ऐसा था कि पहला कदम आपने अपनी जिंदगी में अब उठाए चलो बोलो वेल आई थिंक इट्स अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव बिकॉज मैं एक फेमिनिस्ट हूँ सो आई विल आप यू विल नेवर हियर मी टॉक बैड अबाउट अदर वुमेन सो पहला कदम मिसेस इंडिया देर ऑल एम्पावरिंग वुमेन विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग आई थिंक आर कंट्री रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ दे नीड टू इंक्रीज अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर वुमेन एंड आई थिंक such kind of organizations and initiatives are really welcoming and people like us who have thoda face value should support it. No,
दोबारा मैं क्या बोलूँ यार, दो फीमेल मेरे सामने खड़ी हैं, स्ट्रॉन्ग फीमेल जो मुझे पता है, और एज अ फ्रेंड एंड एज अ फियांसे. सो हाँ, बहुत अच्छी बात है, पहला कदम है तो अच्छा ही होगा. एंड फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज टूवर्ड्स पॉजिटिविटी, एंड आई विश निवेदिता गुड लक एंड बेस्ट विशेस. थैंक यू. अच्छा, सी फॉर्चुनेटली ये मेरे साथ कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बिकॉज आई एम अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल, एंड मैं बहुत ही ब्लड ऑनेस्ट हूँ, एंड वो काफ़ी हद तक मुझे हेल्प करता है, बिकॉज जैसे हम लोग प्रेजेंट करते हैं, लाइक एज अ वुमन हाउ वी नीड टू प्रेजेंट आवर सेल्व्स टू मैन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हमेशा मैंने वो काफ़ी मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया कि मैं मेरा अप्रोच कैसा रहे, यू नो हाउ आई शुड कंडक्ट माई सेल्फ, द वे आई टॉक टू मैन, द वे आई वेलकम मैन इन टू माई लाइफ. आई एम वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दैट, एंड आई एम वेरी आई फील मेरा जो बिहेवियर है हमेशा प्रॉपर रहा है. सो मेरा मुझे कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ नहीं है, बट अगर ये हो रहा है देर हैज़ टू बी समथिंग टू इट, एंड लाइक आई सेड आई विल नेवर टॉक अगेंस्ट वीमेन. तो अगर आर कंट्री इज लुकिंग आफ्टर द वीमेन, देन आई थिंक हैट्स ऑफ टू देम, एंड आई विल ऑलवेज सपोर्ट वीमेन ऑफ आवर कंट्री. I think for 2019, just everybody just, you know, do good work. I believe in karma. Jitna aap achha karoge, utna hi achha aapke saath hoga. So just do good work in any form possible. Just keep being good, doing good work. Aur kabhi kisi ka hamesha bhala hi karo. There's no use doing it any other way. सबको मेरी क्रिसमस मेरी तरफ से एंड हैप्पी न्यू ईयर, एंड एज स्नेहा सेड कि डू गुड सो गुड विल हैपन टू यू, बिकॉज वी बिलीव इन दैट एंड इट कैन कम इन एनी फॉर्म. मतलब आप किसी की भी मदद कर दो या किसी एनिमल की हेल्प कर दो, क्योंकि स्नेहा एंड मी बोथ आर इनटू वी आर लाइक एनिमल लवर्स, तो हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हैं जो लोगों को शायद पता नहीं चलता, लाइक जैसे कोई बर्ड्स होते हैं जो कि घायल पड़े होते हैं, तो यू कैन टेक देम टू, देर आर हॉस्पिटल्स विच टेक केयर ऑफ द बर्ड्स, सो यू जस्ट नीड टू टेक देम टू दैट हॉस्पिटल. सो समथिंग लाइक दैट और एनी थिंग एल्स, एंड आई थिंक सबके न्यू ईयर कंक्लूजन भी अभी शुरू हो जाएंगे और वो लास्ट तक टिकेंगे कि नहीं पता नहीं, बट आई थिंक या डू गुड एंड एन्जॉय the last few days of this year. Thank you so much. Thank you. एक पिक्चर करके बाद में आप घर के बताऊँ बातें कि तेरी घर के बताऊँ, जल्दी पूछना इसके बारे में, पूछना क्या पूछना, हाँ बता दे क्या बोलूँ. हाँ यार, निवेदिता बासु योर फ्रेंड ऑफ माइंड, एंड आई थिंक इट्स अ लवली इनिशिएटिव, और इट्स अबाउट गर्ल चाइल्ड, इट्स अबाउट वुमेन. वो खुद एक बहुत ही पावरफुल लेडी है, मैंने कुछ सालों से जानता हूँ. आई थिंक वेरी क्रिएटिव, वेरी इंटेलिजेंट, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, वेरी इंडिपेंडेंट and a superb business mind. So I think she is like a mix of everything. And I think jab ek aisi aurat ek itne acche cause ke liye kuch karti hai, acha hi hota hai wo. So I'm looking forward to this, because maine jab suna tha ki pehla kadam bolke koi cheez hai jo unhone start kiya hai, I was very excited, because it's about, like I told you, it's about celebrating women, and today, in today's times, I think a woman definitely is, hum pehle kehte the ki ek aadmi jo aurat se hamesha aage hai, फिर एक औरत आदमी के बराबर आई, और अब औरत आदमी से आगे जा रही है. सो दैट इज़ समथिंग विच वी मैन रियलाइज, एंड वी आर वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड अबाउट इट. सो या बिल्कुल यार, आई थिंक जब उन्होंने इतना अच्छा एक एग्जांपल सेट किया है, हम कोशिश करेंगे कि हम उनके जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, अच्छे फ्रेंड्स हैं, इतने सालों से जानते हैं, हम भी कुछ उसका हिस्सा बने. मेरी उनसे कल ही बात हुई थी, तो वो कह रही थी कि मैं चाहूँगी कहीं ना कहीं आप भी जुड़े. सो डेफिनेटली, वाई नॉट यार. न्यू ईयर में, न्यू ईयर में प्लान है, अभी फ़िलहाल तो बहुत काम है, मतलब जो हम हर रोज़ करते हैं, आई थिंक आप लोग आते हैं हमारे सेट पे, आप लोग देखते हैं, बट अदरवाइज़ आई थिंक हो सकता है मैं शायद थोड़ा ट्रैवल करूं,
कोई इवेंट कुछ नहीं करूँगा. मैं न्यू ईयर में पसंद करता हूँ कि या तो फैमिली के साथ हो या क्लोज फ्रेंड्स के साथ हो, बट डेफिनेटली दो दिनों के लिए तो मैं गायब हो जाऊँगा अपने सेट से. थैंक यू फैन. अच्छा सभी एक साथ ले रहे हैं. ओके विशिंग एवरीबॉडी अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर, वेरी प्रॉस्पेरस न्यू ईयर एंड अ ग्रेट फैंटास्टिक ईयर. गॉड ब्लेस यू गाइस. थैंक यू. Come with my mother, the most important person in your life, the most important woman in your life. It's all about celebrating that. So I've come with my mom and I'm extremely looking forward to this event, and I'm glad that Nivi is taking such steps to, you know, make women realize their importance and empowering them. So yeah, feels good to be here. अगर मुझे चांस मिले टू डू समथिंग टुवर्ड्स वुमेन वुड डेफिनेटली बी एजुकेटिंग देम, बिकॉज देर आर स्टिल अ लॉट ऑफ पार्ट्स इन इंडिया वेयर वुमेन आर स्टिल नॉट गेटिंग एजुकेशन. सो इफ आई वुड इफ आई गेट अ चांस आई वुड डेफिनेटली एजुकेट. कुछ वुमेन ऐसी भी होती है जो बहुत कुछ करना चाहती है, उन्हें चांस नहीं मिलता. तो बहुत गलत बात है ये, बिकॉज आई गेस माई मॉम ऑल्सो आई वुडंट से दिस, मेरी मॉम भी शी इज़ अ हाउस वाइफ, बट मुझे उनको घर पर ऐसे यू नो कुछ शी इज़ टू गेट बोर्ड एंड ऑल ऑफ दैट. सो आई टोल्ड हर दैट मम्मा यू शुड डू समथिंग, यू शुड स्टार्ट समथिंग. सो ऐसे ही मैं शायद सारी सबको ही एनकरेज करना चाहूँगी. नहीं टचवुड नहीं हुआ एंड आई होप नहीं हो, एंड जिनकी लाइफ में होता है आई फील दैट दे शुड यू नो दे शुड रेज योर वॉइस अगेंस्ट. थैंक यू. विशिंग ऑल यू गाइज मेरी क्रिसमस एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर. हैव अ ग्रेट 2019 एंड थैंक यू. पहला कदम इज़ अ वेरी नाइस इनिशिएटिव एंड आई हैव कम हियर फॉर निवेदिता. सो इट्स एन एनजीओ एज यू नो दैट इट्स गोना वर्क फॉर द बेटरमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन. सो आई हैव जस्ट कम टू सपोर्ट दैट. आई बिलीव इन इट एंड आई रियली होप कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे सपोर्ट करें और इस एनजीओ को आगे तक लेकर जाए. नहीं ऐसे समझना नहीं चाहिए, क्योंकि आप खुद सामने एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कि कहाँ से कहाँ विमेन जो हैं इंडिया में पहुँच चुकी हैं. एंड नॉट जस्ट इंडिया, आई थिंक एनी वे यू जस्ट सी यू नो वी रीच द हाइट्स. कुछ ऐसा है नहीं जो हम नहीं कर सकते हैं, बल्कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो हम कर सकते हैं लेकिन मेल्स नहीं कर सकते. मैं सिर्फ यही कहूँगी दैट बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप पर पूरा विश्वास रखें और अपने सपनों को कभी छोटा मत समझें जस्ट बिकॉज क्योंकि आप एक लड़की हैं. आप अपने सब सपने पूरे कर सकती हैं, जस्ट एंड जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ. आई थिंक आई वुड आई एम एब्सोल्यूटली अ फुली आई विल बी अ फुल पार्टिसिपेंट इन दिस एनजीओ विद निवेदिता. शी इज़ अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड एंड आई रियली विश कि ज़्यादा, जैसे कि मैंने पहले कहा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें. थैंक यू सो मच. I think it's a wonderful event and Nivedita, how are you? Very good, very good. Where is Rohan? He's not in town. Achha, okay. So yeah, it's a wonderful event and Nivedita is like a family to me, and she's always been working towards the women empowerment, or I feel really great to be a part of this event, and it's actually a very nice concept which Nivedita has come up to. So all the best to her, all the best. सी मेरे को ये लगता है कि विमेन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर किसी की लाइफ में, इनफैक्ट लड़कों और आदमियों के लाइफ में. मेरे लिए माय इंस्पिरेशन वुड बी माय मॉम. शी इज़ ऑलवेज बीन माय बैकबोन, माय स्ट्रेंथ. सो आई डोंट थिंक मैं उनके बिना कुछ हूँ. तो वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट देम और ऑलवेज यू नो फील देम इक्वल, आई मीन मेक देम फील इक्वल. सो डेफिनेटली आई थिंक इट्स अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट.
मैं क्या करूँगा. मैं डेफिनेटली उनको सपोर्ट करूँगा, दैट्स वाई एम हियर, आई एम हियर फॉर दिस कॉज. और मैं चाहूँगा कि वो लोग बिल्कुल हमारे साथ व्हाट डू यू से कंधे पे कंधे से कंधा मिला के चले. एंड या एंड आई वुड लव टू विश निवेदी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस. पीपल से मैं ना केपेबल इनफ, बट देन आई थिंक ये एक गिव एंड टेक है और दोनों को एक साथ रह के आगे बढ़ना चाहिए. इट्स लाइक अ रेलवे ट्रैक, दे एवरीबडी मूव्स टुगेदर. सो या बस बेसिकली यही है कि दे शुड ट्रीट एवरीबडी इक्वली. और बस आई जस्ट होप जो इनिशिएटिव निविधि ने लिया है ये बहुत ही अच्छा सक्सेस हो और सक्सेसफुल हो. एंड आई विश ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच. Please keep watching Vaicham. Ye hai mohabbat hai. And happy new year. Happy new year. And thank you so much for all the wishes. Thank you. मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि दे आर द बेस्ट थिंग इन ऑन दिस प्लानट. आई मीन बिना उनके तो कुछ हो नहीं सकता. तो दे आर द ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ आर लाइफ. सो थैंक यू फॉर बींग देयर. थैंक यू फॉर बींग हु दे आर. डेफिनेटली माई मॉम, तो सबसे पहले मैं उनका ही नाम लेना चाहूँगा कि बिकॉज आई फील जो भी मैं आज हूँ उनकी वजह से हूँ. तो डेफिनेटली उनका नाम तो सबसे पहले आता है. अपने साइड से मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि कभी भी अपने आप को इन्फीरियर मत समझना, बिकॉज दे आर इनफैक्ट सुपीरियर देन अस. तो आई फील दे शुड रियलाइज दैट एंड विद टाइम दे आर रियलाइजिंग इट एंड इट्स द बेस्ट थिंग दैट इज हैपनिंग. ऑल द बेस्ट. सपोर्ट करने की बात तो हर दिन आती है. मतलब हम हर जगह में देखते हैं कि यू नो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हो रहा है. तो वी कैन टेक स्टैंड एनी वेयर, बी इट इन आ फील्ड, बी इट इन सम अदर फील्ड. तो इट शुड बी देयर इन साइड इन यू, यू नो ये आपके दिल में होना चाहिए कि आप यू वॉन्ट टू डू समथिंग. एंड इट्स नॉट अ फेवर दैट यू आर डूइंग, इट इज़ अ रेस्पेक्ट एंड इट इज़ अ राइट फॉर देम. सो डेफिनेटली थैंक यू सो मच. थैंक यू. आई थिंक वुमेन जो है वो ही उन्हीं की वजह से सोसाइटी है. आज मैं यहाँ खड़ा हूँ क्योंकि मेरी मॉम ने मुझे जहाँ जन्म दिया है और मेरी सिस्टर ने मुझे हमेशा सपोर्ट दिया है. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय निवेदिता एंड यू नो एवरीबडी हु इज इन्वॉल्व इन दिस प्रोजेक्ट, बिकॉज वुमेन एम्पावरमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड क्योंकि हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं तो आवाज़ बनना बहुत खूबसूरती की बात है. और मैं इस कैलेंडर का पार्ट हूँ. एक मेरी फोटोग्राफ जो कि एक मंथ के साथ है जिया मानिक के साथ. सो इट मेक्स मी रियली रियली एक्साइटेड. आई थिंक वुमेन को सपोर्ट करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट इट्स जस्ट अबाउट चेंजिंग योर माइंड सेट. आई थिंक गिविंग दैम द स्पेस टू एक्सपेरिमेंट, गिविंग दैम अ सपोर्ट वेर एवर दे नीड यू, एंड दैट्स आई थिंक मोर देन इनफ. ऑल्दो दे आर रियली स्ट्रॉन्ग टुडे एंड दे ऑलवेज बीन, सो आई जस्ट होप दैट दे कीप ग्रोइंग एंड मेकिंग ऑल ऑफ अस प्राउड. जी जस्ट to housewives or to people who are you know doing their job. I was just listening to a great show on FM and it says that you know you can choose to be a homemaker or a CEO or both, but just choose and do what you like. So yeah, some women say that they want to do a lot but they can't do
तो करिए, क्यों नहीं कर पाती? सो चांस को ढूंढना पड़ता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, बट आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू कीप लुकिंग फॉर अ चांस एंड टू क्रैक इट व्हेनेवर यू कैन. एंड आई डोंट फील देयर इज एनी नीड टू स्टेप बैक, क्योंकि चाहे आप औरत हैं या मर्द हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो जाके उसे एक्सप्लोर कीजिए. So I think I just hope and pray that 2019 brings lots of love, lots of happiness for everybody, and may they all grow and succeed in their careers and always keep smiling. Happy New Year. क्या बोला आपसे? कितनी सुंदर लग रही है. हाँ बहुत अच्छा. वो जो पहले बोला था वो अच्छा नहीं लगा. अच्छा, हाँ नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा. आपने मेरी इतनी तारीफ करी, डेफिनेटली मुझे पता है मैं खूबसूरत दिख रही हूँ. सो थैंक यू फॉर दी कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट जितने मिले उतने कम लगते हैं. तो अभी आपने बोला मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू. मैम, इवेंट का नाम है पहला कदम और आप जानती हैं नारी शक्ति को सपोर्ट किया जा रहा है. डोंट यू थिंक कि ये इवेंट, ये जो इवेंट्स आते हैं या फिर लोग इनिशिएटिव लेते हैं, ये बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए. मैं ये मानती हूँ कि नेवर टू लेट, इट्स बेटर लेट देन नेवर. तो मैं यही मानती हूँ कि चलो शुरुआत हो रही है और ये बहुत अच्छी चीज़ है. और शुरुआत तो मुझे लगता है बहुत सालों से हो ही चुकी है, ऐसी बात नहीं है. हमेशा जो है सब एम्पावर करते हैं. इनफैक्ट मेरा शो भी जो है दैट्स ऑल अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, यू नो, एक लड़की जो है अपना ड्रीम के लिए. तो ऐसा नहीं है, जब भी रहा है सब ने. इनफैक्ट मैं जो मेज हैं उनकी भी मैं बहुत उनको भी मैं बहुत थैंक यू कहती हूँ, बिकॉज उनके सपोर्ट के बिना हम लोग यहाँ नहीं पहुँचते. अभी जिस टाइम की, जब मेरी मम्मी की एज थी, जब वो छोटी थी, उससे और आज के ज़माने में बहुत हमें बहुत ज़्यादा फ्रीडम है, जो शायद मेरी मम्मी को और उनकी जनरेशन को नहीं थी. तो आई थिंक हम लोगों ने काफ़ी ग्रो किया है और आगे भी कर रहे हैं. आज तो लड़कियाँ कहाँ नहीं है, हर जगह है. तो इट्स ऑल अबाउट योर सपोर्ट, कि आपके साथ हम, आप हमें बराबर का समझते हैं कि हम आपके साथ काम करें. तो और हाँ, कई सारी ऐसी जगह हैं मैं जो, जैसे ये इनिशिएटिव है पहला कदम, आज भी इंडिया में और बाकी भी डेवलपिंग कंट्रीज में ऐसी कई जगह हैं जहाँ लड़कियों के एजुकेशन को लोग सोचते हैं, यू नो, कि कोई बात नहीं, उसको तो शादी करके जाना है. तो वहाँ ज़रूरत है. तो मेट्रो सिटीज़ में तो नहीं है इतना, बट वहाँ ज़रूरत है. एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग पहला कदम, जहाँ बच्ची के पैदा होने से लेकर उसके करियर तक में उसकी हेल्प की जाती है. वो चाहे किसी भी, शी इज़ फ्रॉम एनी वॉक ऑफ द लाइफ, कहाँ से कहीं से भी हो, उसकी मदद करने के लिए इनिशिएटिव लिया गया है. तो इट्स अ वेरी गुड थिंग. और एज एन आर्टिस्ट इट्स माई ऑनर टू सपोर्ट दिस काइंड ऑफ कॉज. नया साल आने वाला है और किस तरीके का रेजोल्यूशन आपने बनाया है, और अगर बनाया तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, ताकि हम भी. मैं हर साल एक ही रेजोल्यूशन बनाती हूँ कि सुबह 4 बजे 5 बजे मैं उठूँ. इस साल वो कम हो पाया, मगर इस बार, इस साल मैं पक्का कोशिश करूँगी क्योंकि मैं सुबह 5 o'clock एटलीस्ट मैं उठूँ. और मेरा मॉर्निंग रूटीन तो रहता ही है, डांस रूटीन तो रहता ही है, बट नाउ मैं और भी सारी लर्निंग को और भी ज़्यादा लर्निंग करना चाहती हूँ. तो उन सारी चीज़ों के लिए मुझे प्राइवेट टाइम चाहिए. एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं 4 to 5 मेडिटेशन करूँ. तो मे बी दिस ईयर इट विल हेल्प. तो मैं 25 से इनफैक्ट वो शुरू कर दूँगी. क्या बात है. और आपके जो फैंस हैं, जो आपको देखते हैं, आपका जो आपको बेहद चाहते हैं, उनके लिए कोई मैसेज, नए साल की कोई शुभकामनाएं, मुबारकबाद, कुछ भी आप देना? यस यस ऑफ कोर्स, विशिंग यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी क्रिसमस. और जीरो देखिए, सिम्बा देखिए, और खूब मस्त रहिए, हमें देखते रहिए. KGF देयर इज अपकमिंग प्रोजेक्ट इज कमिंग ऑन 21st December. KGF जीरो भी है, सिम्बा भी है, KGF भी आ रही है. ओके, जितनी मूवी आपको पसंद हो उतनी देखिए, जितने जेब में पैसे हो सब खर्च कर दीजिए और मजे लीजिए लाइफ में. हैप्पी न्यू ईयर एवरीबॉडी. हेलो, सबसे पहले क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे पहला कदम के इवेंट को, जो इनके जिन्होंने इनिशिएटिव लिया है, क्या कहना चाहेंगे? आई एम हियर टू सपोर्ट निवेदिता, शी इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, एंड शी सेड अर्जुन कुछ भी हो जाए, ये उसका पहला कदम है, पहले कदम की तरफ. सो आई हैव टू कम हियर एंड सपोर्ट हर, आई सेड डेफिनेटली. एंड ऑब्वियसली इट्स टू डू विद वुमेन एम्पावरमेंट. And I think men ki aur women ki, women men ki zyada responsibility hai to, you know, be there for women empowerment, because mujhe lagta hai ki bahut kuch abhi hasil nahi hua hai unke liye, wo hona bahut zaruri hai. And so anything that supports children, women, old people, I try and, you know, make it there. Arjun, what do you think ye me too movement chal raha hai,
पहला कदम चल रहा है, ये जो औरतों को सपोर्ट करने वाले जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, डोंट यू थिंक कि कहीं ना कहीं मर्दों के साथ, लड़कों के साथ इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है कि अगर तुम्हें कुछ नहीं गलत, देखिए कोई भी चीज़ आती है, जैसे कोई भी रूल बनता है तो उसका एक लूप होल होता है, आप समझ रहे हो, जैसे कितना भी स्ट्रिक्ट रूल लेकर आओ आप, उसका एक लूप होल होता है, उसके लिए लोग बचते रहते हैं, दे ऑलवेज फाइंड अ वे आउट. सो द सेम थिंग इज़ विद द मूवमेंट, यू नो देर आर गोइंग टू बी कुछ जो लोग गलत इल्ज़ाम लगाते हैं, कुछ सही भी होंगे, बट देन या ऐसा तो नहीं है ना कि हम फिर बिकॉज गलत भी उठ रहे हैं तो बिल्कुल ही चुप हो जाओ. सो आई गेस कि यू नो ओनली टाइम कैन टेल हाउ मच थिंग्स विल चेंज, बट एटलीस्ट वी आर इन द राइट डायरेक्शन इज़ वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट. नए साल पे क्या करने वाले हैं नया, और साथ ही साथ क्या शुभकामनाएं देंगे अपने चाहने वालों को? मैं सभी दर्शकों को यही कहना चाहूँगा, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर. करने क्या वाले हैं? मैं गोवा में अपने फैमिली के साथ हूँ. अच्छा, और उसके बाद अभी शुभकामनाएं? हाँ, मैं सभी दर्शकों को नए साल की शुभकामनाएं देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि 2019 सबके लिए खुशियाँ लाए, गुड हेल्थ लाए, और ढेर सारा प्यार प्लीज़ ज़रूर बांटिएगा, बिकॉज उसी से ये दुनिया जो है थोड़ी बेहतर बनेगी. थैंक यू सो मच. I think it's a beautiful initiative taken by Nivedita, and I'm very glad to be a part of it. Before this, I've been a part of Smile Foundation many times. This initiative is a little new and it's different, and I'm happy to support it. And also Nivedita and me, we work in the same industry for a very long time, and yet we didn't get an opportunity to work together. So this was a good platform for us to come together and work on something very beautiful. And I've enacted a very bold role in the short film that you are going to be seeing once you are inside. So I'm looking forward to going inside and seeing the final clip. So yeah. Thank you so much. Thank you. Bye. मेरा विचार ये है कि कोई भी चीज़ जब किसी इनिशिएटिव के लिए ली जाती है वो बहुत अच्छी होती है, बिकॉज देर आर न्यू पीपल, देर न्यू टैलेंट हु गेट्स एन ऑप्शन टू बी एबल टू सी वॉट इज़ अवेलेबल फॉर देम. बिकॉज क्या होता है कि जैसे आई हैव कम फ्रॉम वेरी स्मॉल टाउन, फॉर मी टू बी एबल टू ब्रेक इन टू थिंग्स दैट आई एम डूइंग टुडे वॉज ओनली पॉसिबल बिकॉज लॉट ऑफ पीपल हेल्प मी. एंड आई थिंक विद इनिशिएटिव्स लाइक पहला कदम, I am hoping a lot more will happen and new people will be able to see what else is available. पर वो तो होता ही है हर जगह, पर सबसे अच्छी बात है चाहे वो दो महीने के लिए जागरूक हुए, कुछ तो हुए. द आइडिया इज जब देखो, आइडिया क्या होता है ना, हमें लगता है रिजल्ट नहीं आता, उसमें से दो लोगों को अगर वो प्रेरणा मिल जाती है, वो एक्साइटमेंट मिल जाती है, दोस टू विल ग्रो एंड विल हैव दैट मच ऑफ एनर्जी टू ग्रो इन लाइफ. एंड इवन इफ यू आर एबल टू चेंज टू पीपल्स लाइफ थ्रू वन इनिशिएटिव, आपने दो जिंदगियां तो बदली है ना, तो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अभी भी ज़रूरत है नरशक्ति को सपोर्ट करने की, बिकॉज शहरों में मुझे लगता है नरशक्ति को ज़्यादा सपोर्ट करने की ज़रूरत है, पर एब्सोल्युटली. बट द थिंग इज एज अ कंट्री ओनली वी हैव बीन ब्रॉट अप सेइंग कि नर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आई थिंक वो जो थॉट प्रोसेस अब बदलेगा और जो बराबरी की होगा, तो उसके बाद किसी को बचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अभी तो है फिलहाल, बिकॉज देर आर कंडीशन ऑफ वुमेन विच इज़ नॉट रियली गुड. मेरी माँ, और आई थिंक उनके बारे में पूरा कंट्री अभी तक जानता है, और वो मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, बिकॉज और मुझे लगता है ना हर किसी के लिए उनकी माँ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई नहीं हो सकता, बिकॉज इकलौती वही इंसान होती है जो अनकंडीशनली आपको प्यार करती है, उनका कोई और रिश्ता कहीं और इम्पॉर्टेंट या मायने नहीं रखता है. आपकी वाइफ भी हो जाएंगी, गर्लफ्रेंड भी हो जाएंगी, भाई बहन दोस्त, सबकी अपनी अपनी एक प्रायोरिटी होती है, सबकी अपनी लाइफ होती है, लेकिन माँ इकलौती होती है जिसके लिए केवल तुम प्रायोरिटी हो और कोई भी नहीं है, तो आई थिंक उनको प्रायोरिटी बनाना चाहिए ज़्यादा. मुझे नहीं पता, जोची नहीं हूँ मैं बिल्कुल भी, जिसके फैन ज़्यादा वोट करेंगे वो जीत जाएगा. मैं यार जिसको सपोर्ट करता वो चली गई बाहर, नेहा पेंट से, मुझे मेरी फेवरेट थी वो,
बट वो तो चली गई, लेकिन अभी मेरे दो दोस्त हैं अंदर, एक है दीपिका और दूसरे हैं केवी, तो आई एम होपिंग वो लोग फाइनल्स तक तो जाएं और फिर उनमें से कोई जीत जाए तो पार्टी मिल जाएगी, बाकी उसे मिलेगी नहीं। थैंक यू। सी क्या कि नारी शक्ति को सपोर्ट सदियों से, बिकॉज आई थिंक पहले भी ज़माना नारियों का और लेडीज़ और वुमेंस का, वुमेन का ही था, तो आज भी वही है। एंड आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट, हर औरत को हमको बहुत इज्जत देनी चाहिए क्योंकि हर औरत किसी ना किसी की माँ बनती है। और जो कि ये पहला कदम जो उठा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, एंड आई थिंक और ये उस टाइम पर उठा है जहाँ पर एक्चुअली में औरतों की इज्जत, मतलब जगह जगह खिलवाड़ किया जा रहा है, विच इज़ अ वेरी वेरी सैड थिंग। सो थैंक्स टू निवेदिता बासु मैम एंड द होल टीम, या होल टीम फॉर इनवाइटिंग अस फॉर सच अ सच अ सच अ हैप्पी इवेंट। बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस, वी हमने शूट भी किया है, तो मुझे लगता है कि इतने अच्छे चीज़ के लिए हम साथ में जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हमसे, हमारे साथ जो भी बन पाएगा हमसे अच्छी चीज़, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि दुनिया हर इंसान जो है औरत की इज्जत करे, क्योंकि हर औरत माँ बनती है और माँ बड़ी प्यारी होती है ना। यस, बिल्कुल शक्ति की ज़रूरत है जब आप यू नो नॉर्मली, मैं जिम से बाहर निकल रही थी और एक लड़का था जो साइकिल में, नॉर्मल लड़का था, आई डोंट नो हु वाज, स्ट्रीट बॉय, उससे ना मुझे गाली दी, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं कभी बर्दाश्त नहीं करती ये चीज़। मैंने उसको एक लात मारी और वो साइकिल से नीचे गिरा, एंड ही सेड सॉरी मैम। जस्ट कॉल माय वाइफ। सो यस, एंड ही सेड जिम करने का फायदा नहीं, मतलब वो एक चीज था कि वो रियलाइजेशन उसके लिए कि उसको मैंने बताया नहीं कि मैं उसको क्यों लात मार रही हूँ। मे बी उसने वो गाली मेरे को देख के दी है या पीछे किसी और को देख के दी है, बट मुझे फील हुआ तो मैंने उसको वो हिट दिया। Yes, all for all the women of this country, you know, सोचो मत, अगर कुछ बुरा हो रहा है उस पर रिएक्ट करो, आवाज उठाओ। थैंक यू सर।